أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى यान्नासा ना खलकनाकुमद करूँ ऊंसा वजाल्ला कम शरूब व कबा इफू इकमकुमल्लाम्जत सा मेन कराम व हाजिर ने मजलिस मैं आज के इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर कुछ बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ वह इस्लाम में इंसानियत का मकाम। मेरे इस्लामी भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया मन कतला नफसन बगैर नफ्सन अव फसाद फिल अर्द फका अन्नमा कतला الناس جميعا ومن احیاها فکا انما احیا الناس جميعا कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया और जिसने किसी इंसान की जान बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की ज़िंदगी बख्श दी यात मुबारक इस्लाम की असल तालीमात को वाद करती है कि इस्लाम किस कदर अमनती का मधहब है और इस्लाम की नज़र में इंसानी जान की किस कदर अहमियत और फजीलत है लिहाजा इससे उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो इस्लाम की असल तलीमत को पसे पुश डालकर कर दामन इस्लाम पर कत्लो गिरी के हामी होने का बदनुमा धब्बा लगाते हैं और उन लोगों को भी नसीहत हासिल करनी चाहिए जो मुसलमान कहलाकर बेकसूर लोगों को बम धमाकों और खुदकश हमलों के जरिए मौत की नींद सुलाकर ये यह गुमान करते हैं कि उन्होंने इस्लाम की बहुत बड़ी खदमत सर अंजाम दे दी मेरे इस्लामी भाइयों इसी इंसानी तहफुत के खातिर इस्लाम ने खून खराबा और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया है सही बुखारी की रिवायत में है, है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह कहते हैं कि कबीले और के कुछ लोगों को मदीना की आबो हवा रास ना आई तो नबी अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वो अलैहि वसल्लम के चढ़वाए यानी ऊंटों के पास चले जाए और दूध और पेशाब पिए चुनानचे वह लोग नबी अलैहि वसल्लम के चरवाहे के पास चले गए और ऊँटों का दूध और पेशाब पिया जब वह लोग सेहतियाब हो गए तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के चरवाहों को कत्ल कर दिया और ऊँटों को भगा ले गए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे चंद साहब कराम को भेजे ताकि उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए जब इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसी तरह कत्ल कराया जिस तरह उन्होंने उन चरवाहे को कत्ल किया था चुनानचे उनके हाथ और पाँव को मुखालफ सिमतों से कटवा कर और उनके आँखों में सलाई फिरवा दी और ये बात आप याद रखें कि अब इस तरह के कत्ल को शरीयत ने हराम नाजायज करार दिया है जिसे हम मुसला के नाम से जानते हैं और ये वाकया मुसला की मुमानियत के नज़ूल से पहले का है इसीलिए सही मुस्लिम के एक रिवायत में है जरीर बिन अब्दुल्ला रजील्ला से मरवी हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल वसम निर्सात रमाया मल मियर यरहम कि जो शख्स जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता है रब्बुल आलमीन उस पर भी रहम नहीं फ़रमाता है इसी तरह सुनन दाऊद की एक रिवायत में बसंद सही साबित है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वसलम नसात माया अर्राहम ना यर हमरमानर हम मन फिस्समा कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है लिहाजा तुम जमीन वालों पर रहम करो आलमीन तुम पर रहम फरमाएगा मेरे इस्लामी भाइयों इन तमाम नसु से यह बात मालूम हुई कि इस्लाम इंसानी दोस्ती और आदमत इंसानियत का दर्ज देता है इस्लाम नफ़रत और कत्लो गलत गिरी नहीं बल्कि अमन सलामती और मोहब्बत का दर्श देता है इंसान सब के सब मिट्टी से पैदा किए गए हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो सलाम के औलाद हैं किसी भी गोरे को काले पर काले को गोरे पर किसी अमीर को गरीब या गरीब को अमीर पर कोई फोकियत कोई बर्तरी और कोई अफ़दलियत हासिल नहीं है ये ज़ात पात कबीले कुंबे और रंग नस्ल ये दूसरों की पहचान के लिए बनाए गए हैं ये इंसानों की शनाख्त के लिए बनाए गए हैं ताकि इंसान आसानी के साथ एक दूसरे को पहचान सके एक दूसरे की शनाख्त कर सके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहा या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उनसा व जअलनाकुम शुअबा व क़बाइल लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम के लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से ही पैदा किया है और तुम्हें कौमे और कबीले बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा सबसे ज़्यादा चहेते और सबसे ज़्यादा महबूब हैं जो अल्लाह आलमीन से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा खौफ कराने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हूँ मेरे इस्लामी भाइयों और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुसलमानों को इसी बात का दर्ज दिया है मुस्तद अहमद की एक रिवायत में बसनतः सही साबित है कि हज़तुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी वसल्लम ने साथ माया रब्बकुम वाहिद वबाक वाहमीन वलाल आजमिन अलामर अलादा वलामर बे लोगो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलियत कोई बर्तरी और कोई अफजलियत नहीं है और ना ही किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे को पर कोई फजीलत हासिल है हाँ सिर्फ तकवा की बुनियाद पर एक दूसरे से फजीलत हासिल कर सकता है तकवा के बुनियाद पर एक दूसरे से आगे बढ़ सकता है इसीलिए इसीलिए मेरे इस्लामी भाइयों जब आप कुरान करीम का बौौर मताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह अब्बुलम ने कि अल्लाह रब्बुलमी ने कई जगह परासखब किया है आखिर आखिर कर खिताब किया है और अबीन ने कायनात के इंसानों को इस बात का दर्श देना चाहता है इस बात का पैगाम देना चाहता है इस बात की तालीम देना चाहता है कि लोगों सुन लो इस्लाम ये पूरी इंसानियत के लिए दिन है इस्लाम निदाम हयात है इस्लाम इंसाफ में भी किसी कबीले कुंबे, कुंबेदे अमीर और ग़रीब को नहीं देखता है सब पर कानून बराबर होता है सब पर दस्तूर बराबर होता है सब के लिए निदाम बराबर होता है सही बुखारी की रिवायत में है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में है कि बनू मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली थी लोगों ने मचलिस जमाई और मशवरा किया कि इस औरत के हक हाँ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के पास कौन सिफारिश कर सकता है कौन है जो इसके हक हाँ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के दरबार में सिफारिश करेगा किसी को जुरात नहीं हो सका कोई हिम्मत नहीं कर सके आखिर उसमा बिल जैद रजी अल्लाह तूटे और अल्लाह के रसूल वसम के पास इस औरत के हक हाँ में सिफारिश की अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में, था। कि जब में कोई अमीर चोरी करता था जब उनमें कोई आदमीदार चोरी करता था जब उनमें कोई आदमी बड़े लोग चोरी करता था तो उनका हाथ नहीं काटा जाता था और जब कोई कमजोर बेबस और गरीब आदमी चोरी करता तो उनके हाथ को काट दिया जाता था लोगो सुनो आज अगर फातिमा बिनते मोहम्मद ने भी चोरी की होती तो उसका हाथ में जरूर बजरूर काटता मेरे इस्लामी भाइयों आप इन कुरानी आयात और अहादीस पर जरा ठंडे दिमाग से सोचें ठंडे दिल से सोचें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ जोड़ते हैं जो लोग इस्लाम को दहशत गर्द बावर कराते हैं वो दर हकीकत एक झूठ है और एक इस्लाम पर इल्ज़ाम है क्योंकि जो इस्लाम सिर्फ एक आदमी के कत्ल करने पर पूरी इंसानियत के इन, पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरद करा देता हूँ वो इस्लाम दहशत गर्दी की तालीम कभी नहीं दे सकता वो इस्लाम कत्लो गिरी की तालीम कभी नहीं दे सकता और जो इन, और जो इस्लाम सिर्फ एक आदमी की जान बचाने पर पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरद इस्लाम से बढ़कर अमन सलामती का दर्श कोई और मजहब नहीं दे सकता है और सिर्फ यही नहीं मेरे इस्लामी भाइयों के इस्लाम अमन सलामती का दर्श देता है अमन सलामती ही की तालीम देता है बल्कि इस्लाम एहतरामी इंसानियत का भी दर्ज देता है इस्लाम उन तमाम लोगों को रोकता है जो किसी इंसान की इज्जत से खिलवाड़ करता है किसी इंसान का इस्ता करता है किसी इंसान का मजाक उड़ाता है शरियत ऐसे लोगों को रोकती है अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा यादीना आमनू ला कौमिन कौम मिनहुम के ईमान वालों तुम में से कोई मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाओ हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो और कोई औरत दूसरे औरतों का मजाक न उड़ाए हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो और तुम में से कोई दूसरे पर न ना लगाए और ना ही किसी दूसरे को बुरे लकब से पुकारे और अब दाऊद की एक रिवायत में है बस अनदे सही साबित है अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो शख्स मल्लाहम सगीरना कि जो शख्स हमें से छोटों पर राम नहीं करता है छोटों पर शफकत नहीं करता है और बड़ों के हकूक को नहीं पहचानता है बड़ों के अदब को नहीं जानता है तो वह हमें से नहीं है इससे पता ही चला कि इस्लाम इंसानियत के एहतराम की भी जबरदस्त ज़बरदस्त जोर देती है इस्लाम ज़बरदस्त इस बात की तालीम देता है इंसान हर एक का इज्जत करे और यही नहीं कि सिर्फ जिंदे इंसानों का एहतराम करने का शरीयत हुक्म देती है बल्कि मरद मर मर्द जाने पर भी शरीयत उसकी इज्जत की तालीम देती है सही बखारी की एक रिवायत में है कि एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए साहबा इकराम ने कहा अल्लाह के, के रसूल ये एक यहूदी का जनाजा है ये एक ऐसे शख्स का जनाजा है जो इस्लाम का दुश्मन है अल्लाह के रसूल कि मौत एक खौफनाक चीज़ है मौत एक डरावनी चीज़ है इसलिए जब कोई जनाजा गुजरे तो तुम खड़े हो जाया करो इसी तरह तो एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने माया क्या वो इंसान नहीं है इससे पता चलता है कि इस्लाम पूरी इंसानियत के एहतराम की तालीम देता है ख़ास तबके और ख़ास मदहब की तालीम नहीं देता है और मेरे इस्लामी भाइयों, इस शक्ति हुई इंसानियत का मदावा करने के लिए सद्देबाप करने के लिए इस्लाम ने हर एक के हुकूक को मुतिन किया है हर एक के हुकूक को तयन किया है ताकि इंसानों के दरमियान फितना फसाद बरपा ना हो इंसानों के दरमियान खून खराबा ना हो इंसान के दरमियान माहौल में बिगाड़ पैदा ना हो अल्लाह अल्लाहबमीन ने कुरान करीम के अंदर वालदेन के हुकूक का तस्करा करते हुए कहा वकदा रब, वकदा रब का अल्लाह या के कि लोगो तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो एक अल्लाह के प्रस्तार बन जाओ और अपने वालदेन के साथ हुसने सलूक हुसने सलूक करूँ अपने वालदे के साथ अच्छा व्यवहार करो अपने वालदे के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश आया करो हाँ वो वालदेन किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, किसी भी तबके के रहने वाले हो, सब के साथ अल्लाह शरीयत ने बेहतरीन के साथ पेश आने का हुक्म दिया है शरीय इस बात की तालीम देती है कि तुम अपने वालदेन के साथ अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ हाँ अगर वालदे तुझे रबालमीन की मासीत पर उभारे अल्लाह रब्बम की नाफरमानी पर उभारे तो ऐसी सूरत में तुम उनकी बात को मत मानना उनकी बात की इतबा नहीं करना है और पड़ोसियों के हुकूक के बारे में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने नेत में बुखारी की रिवायत में है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जबरील अली सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे वसीयत करते रहे यहां तक कि हमने ये समझा कि कहीं पड़ोसियों को वारिस ना बना दें, कहीं पड़ोसियों को वारिस ना बना दें इतनी जबरदस्त वसीयत जबरी सलातम नबीलाम को कर रहे थे पड़ोसियों के हक हाँ में और क्यों ना हो पड़ोसियों के ताल्लुक से आप बुखारी की दूसरी बात पढ़िए और गौर कीजिए अल्लाह के ने फरमाया बिन उमर कहते हैं कम जारिन जारियों कि अबीमत के दिन कितने पड़ोसी अपने पड़ोसियों से चिमटे हुए होंगे और हर पड़ोसी अपने पड़ोसी के बारे में कह रहे होंगे अल्लाह उसने अपना दरवाजा बंद करके अपने नेकी को रोक लिया था इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों हम इस्लाम में रह कर हर एक के पड़ोसी का हक अदा करें और अल्लाह अल्लाह के रसूल वसल्लम ने एक बहुत प्यारी तालीम दी है कहा कि लादायबीम इबिम कि तुम में से कोई शख्स मुसलमान नहीं होगा जब तक के वह अपने लिए जब तक कि वह अपने भाइयों के लिए वही चीज़ पसंद ना कर ले जो अपने लिए पसंद करता है अपने लिए जो कुछ चाहता है अपने भाइयों के लिए भी वही चीज़ चाहे मेरे इस्लामी भाइयों अगर हम और आप चाहती ये हैं कि दुनिया के अंदर अमन सलामती का गहवा हो जाए दुनिया के अंदर अमन अमन सलामती फैले तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत करें अपने बच्चों को इंसानियत के हकूक से आगाह करें इंसानियत के एहतराम से आगाह करें उसको बतलाएं कि एक बड़े भाई से कैसे पेश आने का तरीक़ा है और एक माँ और वालदेन से कैसे पेश आने का तरीक़ा है जब आप अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत करोगे तो फिर देखो कि माहौल कितना साजगार होता है माहौल में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं आज इंसानियत शीशक इस रही है कि हम लोगों ने एक दूसरे के हकूक को अदा ही नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे के तकादे को पूरा ही नहीं कर रहे हैं जब तकादे को पूरा नहीं करेंगे मेरे भाइयों हुकूक को अदा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया में फसाद फैलेगा एटोमेटिक है फसाद फैलने से रोकने के लिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम एक इंसानियत के मकाम को समझें और इंसानियत का एहतराम करें उसके हुकूक को अदा करें उसका पास करें अब मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करता हूँ अल्लाह आलमीन से मेरी दुआ है कि बायला हम तमाम मुसलमानों को इन बातों में से बेहतरीन बातों पर अमल करने की अता फरमाए बाइला हम तमाम मुसलमानों को इंसानियत के हकूक़ और उसके तकाज़े को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए अकुलकुमतमा अलैकुम व वालकम व वबरकू